Yeah.
Thank you.
한번 기능 대자 안 되지 빌라 나스더냐 노발 거리는 और खास
जिले हैं वो जमीन से नीचे के सभी सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय देवता नवग्रह जी के चरणों में शत शत नमन। तो आज दर्शकों, आज हम यहाँ महज गांव में आए हैं, तो आपको हम नवग्रह महाराज के बारे में आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास बताएंगे, जिसमें हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जैसे कि आपके यहाँ के गुरु शेतु राम जी, धनी राम जी और प्रीतम राम जी हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ पुजारी बुधराज जी, बुधराम जी और कारदार। सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय देवता नवग्रह जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। तो दोस्तों, हम आज यहाँ गांव महज में आए हैं, तो हम कुछ एक जानकारियाँ जानना चाहेंगे आप देवता नवग्रह जी के बारे में। तो हमारे साथ देवता नवग्रह जी के प्रधान श्री विजय कुमार राणा जी है, तो हम इनसे कुछ जानकारियां जानना चाहेंगे, इतिहास जानना चाहेंगे। तो प्रधान जी, हमें बताएंगे आप कि इसका इतिहास बताएंगे देवते का, इतिहास का जो हमारे कार्यकर्मी है, हमारे गुर है शेतु राम जी, पुजारी बुधराम जी है, गुर पृथ्वी जी है, धनी राम जी है, तो ये जो देवते का इतिहास है ये लोग बताएंगे। तो हम फिर पूछते हैं पुजारी जी से, पुजारी बुधराम जी, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देवता नवग्रह जी का उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, जहाँ ये जन्मा हुआ है, जहाँ? तो हम पुजारी जी से, अपने बुधराम जी से जानना चाहेंगे कि नवग्रह जी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। हाँ तो बोलू छुआ कमरू का, तो बोलू मान तलाई भित्र, बोलू मान तलाई, बोलू साता देरी साता राची, बोलू नहाई धोई जे बढ़ते, बोलू एक ही पर अग्रो जे सिख, बोलू भेद देवा। हाँ तो बोल धारो धार रावला चावला बुद्धा लाग, बोलू भेद देवा पुजा पुजू राजा खंडा भित्र राजा खंडे, बोलू ताती गोली ठंडी फेरी, ठंडी गोली ताती फेरी, एक ही पर आगुरु जय शुक्र बोलू भेद देवा पुरुषरा। नठन बुध आन भुज बोलू भेद देवा पुरुषरा, कुल भुज कथिया बोल धारो धार रावला चावला बुद्धा लागा, पूजू अंकनी गोदा भित्र बोलू अंकनी गोदा, बोलू थान दमास लाई जे भित्र, बोलू एक ही पर आगुरु जय शुक्र बोलू भेद देवा पुरुषरा। हाथ बोल धारो धार रावला चावला बुद्धा लाग, बोलू भेद देवा पुरुषरा, कुल बुझा के तिजात बोलू होर छो छोआ भित्र बोल थान दमास लाई जे भित्र, बोलू एक ही पर आगुरु जय शुक्र बोलू भेद देवा पुरुषरा। नठन बुद्ध आन हुई बोलू भेद देवा पुरुषरा, पूजू श्रेय सहरा भित्र श्रेय सहर, बोलू उर्दू गुड्डाई, बोलू सात सहर बंधे लाई जे भित्र, बोलू उर्दू गुड्डाई गाली ढाली जे भित्र, बोलू अपने आप बोर सरो बरसाए जे भित्र, बोलू एक ही पर अगड़ो जय शुक्र बोलू भेद देवा पुरुषरा। नठन बुध आन हुई बोलू भेद देवा पुरुषरा, पूजू धारो धार रावला चावला बुद्धा लाग, बोलू पूजू जिभी भित्र जिभी देव नंद साय जे बेट, उठ फलटो खड़ो थमड़ो गाही जे बेट, बोलू एक ही पर आगड़ो जय शुक्र बोलू भेद देवा पुरुषरा।
हाथ बोल धार धार आवा चावा भूत धारा बोलू भेज देवा पूजा पूजू हाथ स्किन ना भितर बोलू देव स्किननी संगा ढेर मेल कर बोलू एक ही पर अग्रो जैसी को बोलू भेज देवा पूजा नटन बुदान भुज बोलू भेज देवा पूजा हाथ बोल धार धार आवा चावा भूत धारा पूजू रहना भितर रहने बोलू हाक डी बोलू रहने हाक कोई नहीं सुने अपने आप रहना का बोलू बाहू चपे भित्र बोलू बाहू चपे बोलू साता देड़ी साता राची बोलू जुआ पसे खेलिजे बेटी बोलू उल्टे पसे सुल्टे पसे उल्टे फेरी बोलू लहरी पहरी लिजे बेटी बोलू ओडे भिंडे गाइजे बेटी बोलू भेट देवा नटन बुजो आन बुजू भेट देवा अपनसरा पूजू दुफरा नाली भेतर एक स्त्री बोल दे लागे बोलू घाघरू बना के नेहरू बना के वाई जे बोलू भाड़ू संगा आठे आठे कहे बोलू एक ही पर आगरू जैसे बोलू भेट देवा अपनसरा हाथ बोलू कोट खनेरी भेतर बोलू कोट खनेरी काले ठनारू काठा खंडे बोलू होल बाढ़ी जे बेटे बोलू एक ही परे आगड़ जैसे को बोलू भेज देवा हाथ बोल धारा धारा आवा चावा बुद्धा लगा बोलू खनीचरा भेतर खनीचरे बोलू उठा फलटू खड़ा थमड़ो गाय जे बेटे बोलू खनीचरे नॉन दरसाए जे बेटे बोलू एक ही परे आगड़ जैसे को बोलू भेज देवा हाथ बोल धार धार आवा चावा बुद्धाला बोलू भेज देवा पूछरा पूजू खावड़ी कुड़े भेतर बोलू ढाढ़ी बाजगी चोरी घस जे भेज बोलू एक ही पर आगड़ी जैसे को बोलू भेज देवा पूछरा हाथ बोल धार धार आवा चावा बुद्धाला का पूजू चगला खड़ा भेतर बोलू चगला खड़े बोलू साता देरी साता राची बोलू नुआ पसे खेल जे भेज बोलू उल्टे पसे सुल्टे पसे उल्टे फेरी बोलू लहरी पहरी लिजे बेटी बोलू ओडे भिंडे गाइजे बेटी बोलू एक ही पर आगड़ जैसे को बोलू भेज देवासरा हाथ बोलू जुहई भेतर बोलू जुहई जुआली बोलू रांडी रानी बोलू घिया दूधा खरु काढ़ी जे बेटा किचके खरे बोलू माँ आंबला खरे बाई गदा आंबला चोलू काढ़ी जे बेटी बोलू एक ही पर आगड़ जैसे को बोलू भेज देवासरा नटन बुद आन बुद बोलू भेज देवासरा पूजू रहनाला भेतर रहनाला बोलू ढाई घोड़ी ढाई ढेड़ी बोलू नट नरोल चोरे घस जे बेटी बोलू एक ही पर आगड़ जैसे को बोलू भेज देवासरा हाथ बोल धार धार आवा चावा बुद्धा लावा पूजू रिगणा भेतर बोलू रिगणा बोलू उठ फलटू खड़ थमड़ू गाइजे बेटू थान स्ताप लिजे बेटी बोलू एक ही पर आगड़ जैसे को बोलू भेज देवासरा हाथ बोलू श्रेढ़ा भेतर बोलू लफड़े छे घनी मुंगरी बिस्त आड़ी बोलू अत्रिम दशी करीजे बेटे हल गांधन खल काटन एक ही पर आगड़ जैसे को बोलू भेज देवासरा हाथ बोलू खिचा भेतर बोलू खिचो धूप धूप काट बे तो हाक ढक हाथ द्वार जी हमने आपका सब कुछ ये तो सुन लिया पर इसको आप हिंदी में अनुवाद करवाएंगे हमें पुजारी साहब ने जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उस हिसाब से बोल दिया है इसका जो आप सलाह चाहते हैं हिंदी में चाहते हैं हिंदी में हमारे गुर सेतुराम जी आपको सुनाएंगे उनसे पूछेंगे तो आपको पूरी जो भी इसका इतिहास है वो आपको सेतुराम जी हिंदी में आपको सुनाएंगे चलो कोई बात नहीं हम बोल देते हैं जो कुछ हमने सुना हुआ बुजुर्गों से उसको हम बता लेते हैं ऐसा है कि जो हमारा नदी का देवता जो है ये जो है उत्पत्ति उसकी वजह से शुअकमरू नाम की एक जगह बताते हैं कि वहाँ से हुई वहाँ से चलते चलते हमारा देवता जो है देखो शहर में एक राजा राज करता था और वहाँ उसके पास पहुँचा उसको उसने काफी तप दे दिया और राजा ने उसको माना तो वहाँ से चलता बना तो चलते चलते जो है रास्ते में कोई नदियाँ मिली कोई समुंदर मिले वो भी उसने तप लिए ना जी तो उसके बाद क्या हुआ श्रेय सर में पहुँचता है
श्रेय सर में जो है जो हमारी जिसको हम बुद्धि नागिन कहते हैं श्रेय में, तो उसने उसको ऐसा वरदान दिया, बोले कि मैं आपको जो है धर्म पुत्र मानूंगी, कि आपके पास कितना करबल है, यहाँ मेरे पास ऐसे दुश्मन आए कोई जो कि मेरे पानी के तालाब को जो है ख़त्म कर रहे हैं, दो विद्याए हैं जी। तो उनको कहने में ये आतम दूर कहते, उनका नाम कोई उद्धव विद्याए का नाम कहते थे उनको। अच्छा जी, उनको उनका सफाया कर दिया और तब जाके वो तीसरी साल जो है और श्रेव सर में जाता है। अच्छा अच्छा, उसकी मानता के लिए वो जरूर जाएगा और जरूर पहुँचेगा। अच्छा जी, वहाँ से चलते चलते वो आगे निकल गया और जी भी में पहुँचा। जी भी में उसने अपना नाम और जी आगे निकाल दिया। जी भी वहाँ जगह के नाम से एक जी भी देवता ही बना लिया। फिर चलता है माना, चलते चलते जी वो कहीं ग्यारह गोस्वाणी में निकला और ग्यारह गोस्वाणी में जो है बुजुर्ग ये बताते हैं वहाँ जो है दुर्गा जो ग्यारह गोस्वाणी की जो थी, शायद वहाँ उसके साथ देवता भामासुर भी था। तो उनको यहाँ बुजुर्ग ये कहते कि उनको युद्ध भी हुआ था, शायद युद्ध हुआ होना उस टाइम वो, तो हमने बातें सुनी तो बनती भी नहीं है जी, बनती भी नहीं। और उस टाइम से जो है उन दो का हमारा इतिहास ये है, ताकि जो ये देवते कहीं ना हमारी समझ में इकट्ठे हुए ना कहीं बुजुर्ग के टाइम इकट्ठे हुए, जिन बुजुर्गों ने इकट्ठे भी किए थे तो इतने भारी नुकसान हुए हम लोगों के जो कि सहने के लायक नहीं। एक बारी जो है हमारा लंबरदार था यहाँ का, और लंबरदार ने उसका ठाकुरू नाम कहते थे इस लंबरदार का, यह हमारा थाच में उसका मेला होता था नवग्रह का। और जब मेले की बात लगी वहाँ जी वो ठाकुरू लंबर उसको इलाके में मानते थे, और बोले अरे ये तो आदमी की जिद है, चलो कोई बात नहीं हम उनको धर्म लगाते हैं, धर्म भाई बना लेते हैं। हालांकि बुजुर्गों ने धर्म सत्यवान आदमी थे, उन्होंने ऐसा ही माना जैसा लंबरदार ने बोला, कि जब धर्म उन्होंने लगाया जब फिर लोगों ने मान लिया, फिर देवता खड़ा उठाया और देवते ने अपने गुरु को मतलब मिटाया, बोले जी लंबरदार ये उस टाइम का हमारे काम बने, छः महीने मेरे साल तेरी साल के अंदर अंदर जो है लंबरदार जी मारे चले गए हैं जी। उस टाइम से हमने देवी देवते इकट्ठे नहीं किए हैं जी। उसके बावजूद क्या हुआ, जब वो गारा गोस्वाणी से देवता आया, फिर हमारा यहाँ खावली पहुँचा, खावली में देवते तुंगासी के साथ बैठा और देवते के तुंगासी के साथ जो है सात दिन रहा, सात दिन बैठा, और सात दिन के अंदर अंदर उसने क्या किया, उसके पास जो है जुएं पासे खेलने बैठा और जुएं पासे खेलते खेलते उसने आधी हार भी जीत ली अपने को। तो उसके बाद क्या किया उसने, वहाँ अपना देवता एक चौकीदारी पर भी रखा, वहाँ उसका ब्रशेल नाम है, वो श्रेव से लाया है उसने, उसको वहाँ बिठाया हैं जी। वहाँ से चलता बना आगे आगे, तो फिर कहाँ निकला, रेगुण में। रेगुण उसको जगह अच्छी आई, ये जगह मेरी बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रहन सहन करता ना मैं। अच्छा जी, जब रेगुण से आया ना जी, अच्छा जी रेगुण से फिर हमारा यहाँ यहीं रेगुण से नीचे एक शेर जंगल का नाम है जी, वहाँ जो है देवता वहाँ उसने अच्छी जगह फिर देखी कि मतलब मेरे लिए बैठने के लिए जगह है, तो यहाँ उसने सब थे दे दिया, कोई हल नहीं चलाएगा उस जगह पर, कोई जमीन नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा है जी। तो जब उसने जगह बनाई तो फिर वहाँ जाके चलता बना, तो फिर जो है उनको हम खिलचू बोलते हैं अपनी भाषा में, ठाकुर रहता के था खिलचे में, हाँ वो है गिठाई की जगह, और थाच वाली जगह में जो है खिचू थाच में रहता है और खिचे में भी रहता है। फिर वहाँ खिचू को प्रकट हुआ देवता यहाँ सा जैसे संत जैसा आया, और फिर खिचू ने उसके लिए जो है धूप बातियाँ जलाई, तो धूप बाती जला के उसने अपना नाम बताया,
कि वो थोड़े जैसे शॉर्ट कुएं भूल गया था पीछे, जो कि मैंने गैरक सोनी से चलाया था। गैरक सोनी से आगे एक जगह का नाम कोट खनैरी कहते हैं। कोट खनैरी में जो है मेरे ठाकुर सेतुराम का एक तत्वगुंगा आदमी था, उसको बात करनी नहीं आती थी बेचारे को, बुंगा ही था। तो उसने क्या किया जी, बोले बोले तुम्हारे को है पता मेरा नाम क्या है? अरे बोले हमारे को पता, तू तो टाटा आदमी है और क्या है तुम? अरे बोले इस खड्डू को लाओ। रे उसने जी लकड़ी की तलवार बनाई, जब उसने खड्डू के सिर में लगाई तो सिर फेंक दिया पूरे। तब कहते इस काले झाड़ू ने काट के खंडे से खड्डू काट के उसने पसे फेंक दिया है जी। उसके बावजूद जो क्या हुआ, मेरे को वहाँ से उठा के लाया है उसने, जो सेतुराम कपूर है उसने वहाँ से लाया है जी। वहाँ से कहाँ पहुँचा, वो कृष्णेश्वरगढ़ कहते हैं हमारा। कृष्णेश्वरगढ़ में क्या किया उसने, वहाँ उसने ऐसी जगह देखी जहाँ पानी का भी कोई नाम नहीं था, वहाँ में उसने पानी निकाल दिया। ऐसे टिब्बे पर मकान है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पानी कहाँ से मिल रहा आपको, वहाँ पानी है जी। तो वहाँ उसने फिर श्री श्री नाम का जो है श्री श्री बनाया, खुद आगे आगे निकला। हमने यही इतिहास सुना है बुजुर्गों से, तो धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमने नवग्रह जी का पूरा इतिहास सुन लिया है। तो प्रधान जी, हम आप हमें बताएंगे कि इसकी नवग्रह की कुछ विशेषताएं बताएंगे आप? विशेषता तो इसकी बहुत विशेषता है, जो खासकर विशेषता है हमारी, सबसे ज़्यादा विशेषता है जो बिजी बदली बोलते हैं अपने में। अगर कभी मौसम लगे तो उसको साफ करना है, अगर कभी साफ हो तो पानी लगाना है। उसके लिए हमारे जाने के लिए हमारे जो धूमरी के गुर है पृथ्वी जी, ये इसके बारे में बोलेंगे। हमें बताएंगे इसकी कुछ विशेषताएं? विशेषता ये है जी, पहले बुजुर्ग जो थे हमारे, तो ये लगी धूमरी की बात, उस वक्त गए मतलब गए थे नमक के लिए, दरंगा के लिए गए थे नमक के लिए। तो फिर गया हमारे दो एक बुजुर्ग, एक तो जो धूमरी का जो गुर था, एक था वो बेसात। फिर गया दरंगा के लिए, तो दरंगा के लिए गया। फिर जो हमारा जो बुजुर्ग धूमरी लाना चाहता था, उसने कहा ऐसा कि भाई तिवलाई तिवरी लूना बॉय चौकने सलाए जने पिछाड़े अपने बॉय लाए पॉल तक लाई तिर बोई लिस्त। तो उसने कहा ऐसा कि भाई तू क्यों पड़ा मेरे पीछे, तो तेने मेरी बड़ी भारी बोई चौकी चौक भरे झंझाड़ी में पंचवाई, तो तेरे को चाहिए कि आप तो वहाँ पंचवाए। वो गया पारे तो हमारा बुजुर्ग गया, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो आप कोई बिजी बदली का देवता बोले आपके पास हो तो वो चाहिए मेरे को। फिर पहुँचा हमारा बुजुर्ग, पहुँचा घर बिजनी उसने दी ऐसी डेट भाई आपने आ जाना लगना महीना दिन। फिर पहुँचा महीने दिन के बाद हमारा गुर घर से पहुँचा वहाँ, फिर वहाँ से मतलब महीना दिन वहाँ पर पूरी उसकी क्या नाम विद्या क्या नाम की पूरी। फिर वहाँ से पर देवता लाया, फिर पहुँचाया रेगड़ में, तो रेगड़ में देवता पहुँचाया। फिर परे राय के पास मतलब उसका नवग्रह स्थान पहले था वहाँ, इतिहास मतलब पहले से नवग्रह पहले से पूरा था वहाँ पर। फिर वहाँ मतलब विजय बादल का जब हमारा देवता वहाँ पहुँचा, तो फिर जो विजय बादल पानी पुणी क्या नाम करते, फिर वहाँ पर हमारा बकरी भी काटते वहाँ पर, फिर हमारा विजय बादल भी होता वहाँ पर। फिर उसके बाद बुजुर्ग ने ऐसा बोला कि भाई हमने कोई इसके कोई एक मुख बिड़ाना दिखा हुआ मैंने देवते में क्या नाम करना स्थापित करना स्थापित करना देवते में। तो फिर हमारा बुजुर्ग ने बनाया, फिर देवते में मतलब वो देवते के पास वो कहने प्राप्त किया। प्रधान जी, आप हमें नवग्रह जी का महत्व बताएंगे? जरूर बताएंगे। एक महत्व तो मैंने बताया भी दिया, दूसरा बताता हूँ मैं। दूसरा महत्व ये है इसका, पहले प्राचीन काल से मतलब पहले से कि भाई अगर किसी को शाच हो कोई नाच हो, हमारे अपने जो यहाँ की ये बोलते हैं कि अगर किसी का बच्चा भी ना हो, बुजुर्गों ने बोला भी किसी कई के हुए, आज भी हमने तो देखे, हमने भी देखे जिस तरह से हमारे हो रहे, उसके बारे जानने के लिए मैं पुजारी और बुधराम पुजारी और सेतुराम गुर से बोले ही बोलेंगे। तो बताइए जी कुछ दिन बना पा
देखो जी, बात ऐसी है, हमारे यहाँ एक मास्टर रहता था, तो वहाँ उसके घर जो है गरम छोड़ी से आगे कटाणु नाम की एक जगह है। तो वो यहाँ बहुत साल टिका, तो उसने देवते के पास जो है इतनी प्रार्थना की कि जाने दो आप। बाद में उसने अपनी घरवाली भी ले आई यहाँ। तो जब यहाँ वो पहुँचे तो फिर उसके लिए देवते में जो है जो कार्यक्रम किया, तो कार्यक्रम करते समय ही लेट हो देर हो गई। देखो जी, आप 2-3 साल के अंदर जो है उसका लड़का ही हो गया है जी। तो उसके बावजूद क्या, उसके बाद वो पूर्णचंद जी यहीं पहुँचे इसी देवते के पास। उनकी ट्रांसपोर्ट तो कहीं और जगह हो गई थी ना जी, मास्टर थे वो, फिर यहीं पहुँचा। फिर बच्चे को भी लाया, खुद भी आया। हालांकि यहाँ तो हुआ जो हमारे इलाके में भी, जो गांव में भी कोई भूत हो, कोई भूत हो जिसको हम कहते हैं ना जी, भूत कहते हैं, रक्ष कहते हैं अपनी भाषा में, हैं जी, तो उनके लिए भी हमारे को कहीं और जगह जाना नहीं पड़ता है, इसी देवते के पास जाते हैं हम। हमारे सारे काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। हालांकि आपके नेपाल से लेकर पर के साल जो है, पर के साल की बात है, हाँ, जी तो पर के साल एक गोरखा बेचारा यहाँ काम करता था, तो उसने कहा जी इस पुजारी के पास, बोला कि मैंने इस अपनी बहू को यहाँ देवते के पास लाना है। फिर देवते के पास लाया जी, देवते के पास काम किया, इस साल उसका बच्चा हो गया। कि वो शादी करके 6 साल के बाद, 13 साल, और 13 साल के बाद जो है अभी बच्चा दे दिया बेचारी ने, कि अब आने वाला यहाँ है वो, दिवाली के लिए पहुँचेगा, वहाँ दिवाली के लिए जरूर आएगा। इतनी श्रेष्ठ महादेव की जो है ना जी, बहुत अच्छे मानते हम, ऐसी बात नहीं, हमारा गुण है इस देवते का। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ओके, मेरे साथ हो गया इतना की। तो आप कुछ नवग्रह के जो इसके खास पर्व है उसके बारे कुछ बताएंगे? हाँ जी, जानते हैं हम, हमने कभी पहले बुजुर्गों से भी सुना है, तो अब खुद चला रहे हैं इन काम को हम, ऐसी बात तो नहीं है। इसके पर्व जो है एक हमारे फागुन महीने में, जिसको हम अपनी भाषा में त्योहार बोलते हैं, है जी, एक ही होता है। दूसरा जो उसका हमारा ये रिगण वाला मेला जो होता है ना जी, ये मेला तो हमने मैं चलाया है जी। जो रिगण वाला पर्व जो है ये भी एक मेला ही है, उसको हम अपनी भाषा में जागरा बोलते हैं। ये रात को जाता है रिगण, ऐसे तो हम दिन को नहीं ले जाते थे उसको, उसको रात को ले जाना पड़ता है। तो ये मेले हमारे यहाँ जो है, हमने बुजुर्गों से भी सुना, हमने भी देखा है कि इस ग्रांड हार में हमारे 3 मेले होते हैं। एक हमारे कुल्लू में प्रसिद्ध जी का होता है, रसमंडी में, मंडी में, और दूसरा हमारा कमरू नाग जी का होता है, वो भी मंडी में, वो भी मंडी में, और तीसरा हमारा रेगढ़ में होता है, हैं जी। तो पर्व तो उसके मैन यही है। और तीसरी हम साउज महीने में जो है, अगर बारिश लगे बता लो तो, और क्या है, पानी लगे, उसके लिए एक बकरी हम उस टाइम भी काट लेते हैं, हैं जी। तो जब ओलावृष्टि हो उसके लिए भी हमारे देवते के अंदर गुण है, क्योंकि उसके लिए भी हमारे को जो है उसका दिन जो है हमारा गिन के निकलता है, वैसे नहीं निकलेगा, उसको हम शारु बारना बोलते हैं। हालांकि वो बातें यहाँ तो सुनी हुई है हमने, आपके कोटगर खमर से लेकर हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, शारु को हर जगह बांटते हैं, बिल्कुल है जी। वैसे मेन पर्व हमारे यही है, और खासियत भी हमारी देवते की ये ठीक ही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने उसके गुण गाए भी और खाए भी, हमने सब कुछ किया, तो हमारा देवता जो है हम कभी धन्यवाद करते हैं। आप लोग
लोगों को, पब्लिक को भी, इस देवते को भी, है जी। इससे ज्यादा हमारे पास कोई स्त्री नहीं है, वो बुजुर्गों के पास थे। आपका नवग्रह का मंदिर है, हाँ जी, तो जो वहाँ पे जो झील है, हाँ जी, वो झील मतलब पहले से है या देखते ना? ना जी, पहले से नहीं है जी। झील जिस टाइम देवता वहाँ पहुँचा, उसने उस टाइम जो है वहाँ अपने गज से लगाई, अगर वैसी ऐसी तैसी झील होती वो तो खत्म नहीं हो जाती थी, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल है जी। इसमें पानी आ तो टाइम रहेगा कि बुजुर्ग ये बताते थे हमारे, जब दुनिया में कभी काल पड़ गया ना जी, तो इसमें जो है पानी सूख जाता था, फिर लट्ठे करते थे, घराट की लट्ठी, हाँ, फिर लट्ठी से मारना नीचे तो पानी निकलता था। जब जब नीचे से पानी निकलना तब समझना कि पानी होगा, अगर पानी नहीं निकलेगा तो पानी नहीं होगा। वही तो है नवग्रह जो वही तो है, आपसे गैर रहेगा नहीं, जब तो गज लगाई तो आजकल आजकल भी पानी। देखो पानी, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, गुरु जी को पीछे रखता हूँ, हमारे कमरू नाले में भी वहाँ भी झील है, बिल्कुल जी, हाँ, हमारे प्राचीन में भी वहाँ भी झील है, रिगण में वहाँ भी झील है, समझो कि भाई मानो कि एक ही ये है इनका, एक ही जो सेल सर का भी मतलब इसी के साथ ही है। सेल सर तो अलग ही है, वैसे सेल सर इसमें नहीं आता है, जो ये प्राचीन ये हमारे गमरू नाग और ये रिगण, इन्हीं तीन हम जानते भी नहीं है। वरदान दिया कि बूढ़ी नागण को तभी मन गया, इसको ऐसे चलते चलते जब वो डूब जाए गया तभी इसने तीसरे दिन तीन दिन होम जॉब किया, फिर वो हरिशाल बरसाओ गई इस वक्त वहाँ वो डूब जाए गाड़ी ढाली मतलब फिर कर दिया बंद, नहीं तो पर्दा जो आ रहा था नागरिक का, इसका स्थान तो नीचे तालाब में, फिर तो जैसी नंगी और तैसी होती है, तभी आए इसका प्रदान, तभी तीसरी साल जाएगा नवग्रह जाएगा। सबसे पहले मैं अपना देवता नवग्रह का सशत प्रणाम करता हूँ, जितनी भी मेरी कार्य करनी है देवता नवग्रह की बड़ा अच्छा सहयोग रखा, जो हमारा एक कार्य चला था आज हमारा एक कार्य संपन्न है, ये कार्य हमारा प्रतिष्ठा से लेकर और बूढ़ा कदार से लेकर श्रेष्ठ से लेकर मेले तक था, जो हमने मीडिया भाई वाले को लाया था, आज हम धन्यवाद करते मीडिया वाले का भी कि ये कार्य हमारा सिद्ध हो। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देवता कमेटी नवग्रह जी का, प्रधान जी का भी, जो इनके साथ कार्यगत लोग हैं, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल के नवग्रह जी का पूरा इतिहास बता दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को धन्यवाद। आप धन्यवाद। के रूप में आज निमंत्रित किया था
और इन्होंने ऐसा हर समान मंडल करने पर क्या दो आगे समस्त मेला कमेटी और आदर्श युवक मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने अपने शेड्यूल में से हमें अपना कीमती समय देकर ये महत्वपूर्ण समय दिया है, उसके लिए आपका फिर से समस्त मंडल की तरफ से और मेला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कमेटी के सदस्य का। तो समस्त देव कमेटी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और देव कमेटी पर ध्यान राहुल का शुरू किया और द्वारा स्क्रीन वाली ना अच्छी हो।